देखो तुम लोग घबराना मत, जैसा हमने समझाया बस वैसा करना। वाह वाह वाह, अरे वाह, क्या बात है। मालकिन आपको हमारी कोशिश कैसी लगी? जबरदस्त। देखिए आपने तो कमाल कर दी, सूरज से वो काम करवाया जो कोई भी नहीं करवा सकता था। बहुत बढ़िया सूरज, हम बहुत ही प्रसन्न हुए। मालकिन हम तो यही चाहते हैं कि आप हमेशा खुश रहें, मरते दम तक हम यही कोशिश करते रहेंगे। सूरज ने तो अपना काम कर दिया, अब रणविजय जी आपकी बारी। चकोरिया के मरने की अर्थी तैयार कीजिए। और हाँ, अब चिंता मत कीजिए कि हम आपके काम में दखल अंदाजी करेंगे। आप जो करना चाहते हैं, जैसे करना चाहते हैं वैसे कीजिए। कहे के हम तो बस चकोर की चिता देखना चाहते हैं। चिता! हमारे हिसाब से तो जीत हमारी पक्की है, मगर फिर भी अगर आप में से किसी के भी मन में शंका है तो हमें अभी बता दीजिए। चकोरिया दीदी, हमारा मन थोड़ा घबरा रहा है, पर हम ये भी सोचत है जब आप इमली और रणविजय जैसे धाकड़ लोगन का थाने में बंद करवा सकत है तो हम इतना काम तो कर ही सकत है ना। हम आपका पूरा साथ दई है। ये हुई ना बात, अब हम आप लोगों को योजना समझा देते हैं कि हम आगे क्या करने वाले। आप में से चार लोगों की हम अदला बदली कर देंगे। अब आपकी जगह पर गौरी, आपकी जगह पर पाखी, आपके जगह पर हमारी माई और आपकी जगह पर हम जाकर बैठ जाएंगे। उससे आगे की जो भी परिस्थितियां उठेंगी उन पर हम काबू पा लेंगे। छगन, जो सामान हमने लाने के लिए कहा है वो समय पर पहुंच जाएगा ना? चिंता मत कर, शुक्रिया, पहुंच जाएगी। तो चलो हम सब मिलकर एक दूसरे से गले लगते हैं ताकि जो भी थोड़ा बहुत डर किसी के मन में हो वो खत्म हो जाए। आप सब जाइए, हमें थोड़ी और तैयारी करनी है। चकोर, क्या हुआ चकोर, तुम ठीक तो हो ना? हमने वहां देखा था जब तुम लड़कियों से बात कर रही थी, तुम्हारी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी, तुम्हें कुछ चक्कर आ रहे थे क्या? सूरज, हमारा सपना पूरा होने वाला है। और तुम, हमारा बच्चा। हाँ सूरज, सूरज भगवान ने फैसला कर लिया कि वो हमारे गोद में एक नन्हा सा फूल दे दे। हम चुनाव नहीं जीते तो क्या, हमने इस दुनिया की सबसे बड़ी खुशी हासिल कर ली। सूरज, हमारा परिवार पूरा होने जा रहा है और हमारे बच्चे के आने से हम अपना सारा जीवन सुख दुख पी हुई निकाल लेंगे। सूरज, हमें यकीन नहीं हो रहा कि हम बाप बनने जा रहे हैं। हम बाप? हमारा बच्चा। हम क्षमा कर दो, हम हमारे बच्चे को नहीं बचा पाए। बच्चा, हम अपने बच्चे को इतनी खुशियां देंगे, इतनी खुशियां देंगे। सूरज,
सच कह रही थी चकोर, अब हमारे सारे सपने सच हो जाएंगे। लेकिन चकोर तुम्हें हमसे एक वादा करना होगा, हमारे बच्चे के इस दुनिया में आने के बाद में हम इन सारे झंझटों से दूर चले जाएंगे, हम सिर्फ अपने बारे में सोचेंगे और हमारे बच्चे के बारे में सोचेंगे, वादा करो हमसे। हाँ सूरज, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, दूसरों की निस्वार्थ सेवा करना बहुत नेक काम है, लेकिन कभी कभी इंसान को अपने परिवार के लिए थोड़ा सा स्वार्थी होना चाहिए। हेलो चकोरिया, हमने वो कैमरे का प्रबंध कर लिया है, कल सुबह तक हवेली में पहुंचा देंगे, पर सूरज भैया से कहना कि थोड़े से होशियार रहे। हाँ ठीक है। सूरज छगन का फोन था, वो कह रहा था कि वो हवेली पर तुम्हारे पास सामान लेकर आ जाएगा। हाँ ठीक है, लेकिन अब जो भी करना है वो हम करेंगे, तुम अब इस प्लान का हिस्सा नहीं हो। चकोर अगर तुम्हें या हमारे बच्चे को कुछ हो गया ना तो हम सह नहीं पाएंगे। सूरज हमारे बच्चे को कुछ नहीं होगा, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। सूरज अगर अंतिम घड़ी पर हम पीछे हट जाएंगे तो वो सारी बच्चियां जो हम पर विश्वास रख के दुल्हन बनी है उनका विश्वास हिल जाएगा। सूरज वो डर जाएंगी, हम पीछे नहीं हट सकते। चकोर बस, अब चाहे जो भी हो तुम्हें वही करना होगा जो हम कह रहे हैं। सूरज तुम समझते क्यों नहीं हो, अगर हम पीछे हट गए तो इमली और रणविजय को उनके गुनाहों की सजा कभी नहीं मिलेगी, आजाद गंज पर उनका अत्याचार चलता रहेगा। क्या तुम यही चाहते हो कि हमारा बच्चा एक पाप और पाखंड से भरे वातावरण में पैदा हो? सूरज तुम यही चाहते हो कि जो अत्याचार आज तक हम दोनों सहन करते आए वही अत्याचार हमारा बच्चा भी सहन करता हुआ बड़ा हो? अच्छा ठीक है, लेकिन इसे हम आखिरी चुनौती समझकर तुम्हें नहीं रोकेंगे, लेकिन वादा करो हमसे कि तुम अपना ख्याल रखोगी। वादा करते हैं, अब तुम बिल्कुल चिंता मत करना, और छगन जब हवेली सामान लेकर आएगा ना तो अपनी निगरानी में उसे उतरवा लेना। सूरज छगन हवेली में छुप कर रहेगा, हमने वो यंत्र बक्सा नंबर 2 में रखवाया है, हमारा बैग और सामान अखेरा सब कुछ बक्सा नंबर 3 में, और हाँ बक्सा नंबर 3 अपने कमरे में ही रखवाना और कहीं नहीं। सूरज सूरज तुम्हें क्या कर रहे हो, अरे क्या पढ़ रहे हो तुम? सामान का बिल है, हम देख रहे थे सब सही है कि नहीं। सब सही है सूरज, अगर ये बिल का काम हो गया हो ना तो जाकर वो मंडप लगाई दो। जी मालकिन, बस कुछ बक्से बाकी हैं, उन्हें देख लेते हैं फिर लगा देंगे हम। ठीक है जल्दी करो। आपने सामूहिक विवाह करवा के बता ही दिया कि आपको जनता की कितनी चिंता है। हाँ हाँ इमली देवी जी,
आप सच में बधाई की पात्र हैं। अरे ये तो हमारा फर्ज है। अरे ये तो कुछ भी नहीं, हमारी अमली देवी जी का दिल इतना बड़ा है, आगे आगे देखिए क्या करती है। यशवान जी अब कन्या को बुलाइए, मुहूर्त बिता जा रहा है। सूरज चकोरिया, माई कस्तूरिया, कस्तूरिया संभाल अपने आप को। माई माई क्या हुआ, लगता है माई को चक्कर आ गए। हाँ। माई आंखें खोल, माई माई। इमली देवी जी आपकी माई की तबीयत ठीक नहीं है क्या, आप देखोगी नहीं उन्हें? जी इन कीड़े मकोड़ों को तो यहाँ बुलाना ही नहीं चाहिए था। मनहूस जब भी आते हैं कोई ना कोई बुरी खबर साथ आ ही जाती है। क्या हुआ इमली, माई को ऐसे देखकर तेरे चेहरे का रंग क्यों उतर गया? हम जानते हैं माई को इस तरह यहाँ देखकर तुझे अच्छा नहीं लग रहा ना, तो ठीक है हम माई को हवेली ले जाकर लेटा देते। हवेली में क्यों? अब हमारा मतलब अपनी हवेली समझो और माई का ले जाओ अंदर और का आराम करो। और हाँ अगर डॉक्टर की जरूरत हो ना तो हमका बताए देना, अब हम है ना, हम बुला देंगे। चलो माई को अंदर ले चलते हैं।